और कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो कि नहीं। तो आज मैं बात करूंगा वेब सीरीज दुनिया में तहलका मचाने वाली आंटी अनु मौर्या के बारे में। जिन लोगों को आंटियां और भाभियां पसंद है, उन लोगों को पता है कि अनु मौर्या क्या चीज है। वेब सीरीज दुनिया में अनु मौर्या अकेली आंटी है जो बच्चे एवं बूढ़े सबका टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अनु मौर्या के लटके झटके कहाँ कहाँ देख सकते हैं। वैसे अगर आप भैया भाभी और अंकल आंटी का जलवा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें। मैं इसी तरह अपने मित्रों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो उनके वीरान और सुनसान जिंदगी में भूचाल ला देता है। तो चलिए देखते हैं। अधूरी आस ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी नीता नाम की एक जवान महिला की है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है। बूढ़ा आदमी ना तो नीता को टाइम देता है और ना ही इसकी शारीरिक भूख पूरी कर पाता है। लेकिन जब बंगाली बाबा का चूरन चाटने के बाद भी बूढ़े से कुछ नहीं होता है तो नीता सब कुछ छोड़कर घर चली जाती है। नीता के घर में नितिन नाम का एक लड़का है जो बचपन से ही नीता को पसंद करता है और इसे खोपचे में लेना चाहता है। किंतु नितिन की लॉटरी तब लग जाती है जब ये नीता दीदी के साथ साथ अपनी आंटी को भी खोपचे में ले लेता है। ये अदला बदली ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी जगमोहन नाम के एक आदमी की है जो अपनी वाइफ दीपा के साथ मजे से रहता है लेकिन अपने बेटे मनीष की वजह से परेशान है। मनीष एक शर्मिला लड़का है जो कुछ नहीं बोलता और ना ही अपनी सौतेली माँ दीपा को अपनी माँ समझता है। मनीष के घर वाले इसे सुधारने के लिए और इसे रास्ते पर लाने के लिए इसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन मनीष गधा से घोड़ा नहीं बन पाता और ना ही अपनी पत्नी को खुश कर पाता है। सौतेली माँ दीपा इस तरह से मनीष का घर बर्बाद होते नहीं देख पाती और मनीष को काम वासना की ट्रेनिंग देती है। तो मनीष अपनी पत्नी को माँ बनाता है या फिर कोई दूसरा फायदा उठाता है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। गुड लक ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी राकेश नाम के एक लड़के की है जिसके पास ना तो नौकरी है और ना ही छोकरी। दरअसल राकेश का टाइम खराब चल रहा है इसलिए इसके पास लड़कियां तो आती है लेकिन इसके साथ रात नहीं बिताती है। राकेश अपना टाइम ठीक करने के लिए और नौकरी के साथ छोकरी पाने के लिए पंडित जी से नया कुंडली बनवाता है। नए कुंडली की वजह से राकेश की शादी विशाखा नाम की एक लड़की से हो जाती है और घर जमाई बनकर नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब राकेश की वजह से इसके ससुराल वालों का टाइम खराब हो जाता है। किंतु असली मजा तो तब आता है जब अपने ससुराल वालों का टाइम ठीक करने के लिए राकेश को घर की सभी महिलाओं का गेम बजाना पड़ता है। बुढ़ा प्यार ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी दो भाई बहन प्रिया और मनीष की है जिनकी कहानी निराली है। प्रिया रघु नाम के एक बूढ़े से प्यार करती है और इसी के साथ शादी करके सुहाग रात मनाना चाहती है। उधर मनीष अपनी बुआ का दीवाना और इन्हीं को खोपचे में लेकर जन्नत की सैर करना चाहता है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब रघु प्रिया के घर टीचर बनकर आता है और प्रिया की बुआ और माँ सबकी गेम बजा देता है। तो बुआ मनीष के पास भी आती है या खाली मास्टर जी का दिन बनाती है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। इस वेब सीरीज में प्रियंका चौरसिया और मालविका तोमर नजर आई है। माला माल ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी एक घर की है जहां सुलेखा देवी नाम की एक महिला की हत्या हो जाती है। सुलेखा देवी अपनी वसीयत में ये बताती है कि उनका कातिल घर में ही है और अगर कातिल 10 दिन के अंदर पकड़ा नहीं गया तो सारा संपत्ति ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। घर की बहू स्नेहा कातिल का पता लगाने के लिए अपने पति के साथ साथ घर के दूसरे लोगों के साथ भी पलंग हिलाने लगती है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब स्नेहा को पता चलता है कि घर के सभी लोग सुलेखा देवी के साथ लहरिया लूट चुके हैं। तो कौन वो दरिंदा है जो सुलेखा देवी को खोपचे में लेने के बाद भी मार डालता है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। इस वेब सीरीज में भारती झा, आयुषी जायसवाल और साइना खत्री जैसी बड़ी हसीनाओं का अंबार लगा है।